हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपेरन भाई। आंखों को घर पर सुंदर कैसे बनाया जाए, आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। आंखें हमारे शरीर का अभिन्न अंग है और आई मेकअप के लिए आपके पास एक आईलाइनर, आई पेंसिल, आई शेडो, आई प्राइमर, आईब्रो पेंसिल, कोल यानी काजल, मस्कारा, आर्टिफिशियल आई लैशेस, आई मेकअप ब्रश, आई कर्लर, स्मज प्रूफ आईब्रो पाउडर होना चाहिए। सबसे पहले छोटी आंखों को बड़ा करने के लिए आंखों में आईलाइनर को मोटा लगाएं। ऐसा करने के लिए आपको 2 से 3 लेयर पतली लाइन बनाना होगा, जिससे आपकी आंखें अलग नज़र आएंगी। आपको ध्यान देना है, हमेशा सोने से पहले अपनी आंखों का मेकअप ज़रूर उतार लें। आंखों का मेकअप करने से पहले बेस तैयार करें, फिर आंखों के आसपास प्राइमर और फाउंडेशन लगाएं। सबसे पहले आई प्राइमर अपने आई लिड पर लगाएं, इससे आपका मेकअप काफ़ी समय तक रहेगा। आई प्राइमर लगाने से मेकअप को आसानी से अप्लाई करने में मदद करता है। ज़्यादातर महिलाएं आंखों में काजल लगाती हैं, जो कि महिलाओं को खूबसूरती के लिए एक अहम हिस्सा है। रोज़ाना आंखों में काजल लगाने से न केवल खूबसूरत दिखते हैं, बल्कि आँखें बड़ी भी दिखती हैं और इससे आंखों की चमक भी बढ़ती है। लेकिन ध्यान रहे, आप अच्छी क्वालिटी का काजल ही इस्तेमाल करें। सिंपल आई मेकअप तरीकों में सबसे पहले आईलिड पर कंसीलर लगाएं, इसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करें, आई शेड्स का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप 2 से 3 कलर्स को ब्लेंड कर सकते हैं। फिर आईलाइनर लगाएं, आई पेंसिल की मदद से ईयरबड से स्मज करके नए लुक दें, फिर मस्कारा लगाएं, फिर ब्रश से टचअप कर लें। आई प्राइमर मेकअप को आसानी से ग्लाइड करने के लिए एक चिकनी सतह बनाने में हेल्प करता है। आप अपनी उंगलियों की मदद से आई प्राइमर लगाएं और इसे सूखने दें। इसके बाद आई शेडो बेस का उपयोग करें, ताकि आपके शेड्स को एक अच्छा बेस मिल सके। अगर आपके पास आई शेडो बेस नहीं है, तो आप फाउंडेशन या कंसीलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना घर पर आंखों का मेकअप कैसे कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।